खैर तो हम जा तो रहे थे इसके वो करवाने स्क्रैच का, लेकिन हमारा थोड़ा सा कटा ये भी निकल आया। इसने इंजन का दे दिया एक, ठीक है, एक हमारा फेलियर का दे दिया बॉडी इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, जो है इसका पेंट निकल गया। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे माशाल्लाह लेले ने कार्रवाई डाल दी हमारी गाड़ी के साथ। पहले इसने ये इधर मारा था सारा, वो हमने बर्दाश्त कर लिया था, गाड़ी गैराज में लगी हुई थी। रात को मैं कभी सो गया तो लेले साहब ने ना ये भी सारी कार्रवाई डाल दी है। ये चेक करें आप, मतलब उसने पता नहीं टांगे मारी है। अब मैं अपने कैमरे में देखूंगा, और वो लेले साहब को शायद ये गाड़ी पसंद नहीं आई। लेले को मैं आपको लेले का गुस्सा भी मैं आपको दिखाता हूँ। इग्नोर करना यार, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है। रमजान ये देख, ये देख, ये देख भी रहा है इसको यार। क्या मतलब ऐसे होता है, ये भी तरीका। तो अभी भी इसकी कोशिश पूरी है कि वो इसको ना किसी तरीके से इसके पास आए। अभी मैंने अभी गेट बंद किया हुआ था ना, तो ये बाहर बाहर आ रहा था। लेला मुझसे माफ़ी मांगने आया। लेला शर्मिंदा है अपने, देखो उधर ही देख रहा है। लेला शर्मिंदा है यार, ये देखो ना अभी भी उधर ही देख रहा है। उसने जो कार्रवाई डाली, नहीं ये देखो, नहीं नहीं भाई, नहीं 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 अंदर अंदर, ये भी फिर मुझे लगता है इसके पास ही आ रहा है। चलो भाई खैर, इसको हम ईद के बाद देखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गाड़ी गंदी है, धुलेगी भी इंशाल्लाह ईद के बाद ही, क्योंकि भाई ईद पे वैसे ही गाड़ी गंदी हो जाती है। 2000 years later. ये व्यू पे आपका भाई मरता है। खैर आप लोगों को पता होगा कि हमारे प्यारे प्यारे बकरे ने हमारे थोड़े से कारनामे किए थे, भी यहाँ से गंदे नज़र नहीं आएगा, तो खैर जाके भी इसको करवाते हैं ठीक। और गाड़ी भी हमारी थोड़ी थोड़ी गंदी है, खैर करवाते हैं इसको भी, जाके धुलवा भी लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमारे बकरे साहब ने स्क्रैच क्रूच मारे हैं उनके लिए है, क्या मतलब खैर तो हम जा तो रहे थे इसके वो करवाने स्क्रैच का, लेकिन हमारा थोड़ा सा कटा ये भी निकल आया। लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी करवा लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं यार। ये हमारी जान है, इसके लिए तो जान भी हाजिर है, तो मैं हम ठीक करवाएंगे, टेंशन नहीं। अभी हम जाते हैं, फिर तुम्हारे ये मसले मसाइल भी ठीक करवाते हैं, और तुम्हारे रगड़े लगी हुई है ना खराशे, तुम्हारा वो काम भी कराते हैं, टेंशन नहीं। तुमने मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इतने प्यारे मौसम के साथ रंग बिरंगी लाइटें अच्छी लगती हैं, बंदा बच्चे को नहीं रखता उस तरह, मैं इस गाड़ी को रखता हूँ। लेकिन फिर भी आज हमसे थोड़ा सा नाराज़ हो गए, और ये हमारे सोसाइटी वाले पता नहीं कब गेट बनाएंगे, साल हो गए इनसे गेट नहीं बन रहा यार, मर्जी वाली बात है यार, ये क्या तरीका है इनका। मैं तो तंग आ गया, मैंने सिर पाड़ देना किसी का, यकीन करो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। एक सुबह सुबह निकलो जी, इतना रश इधर लगा होता है क्योंकि इन्होंने इन और आउट को बड़ा ना तंग करके रख दिया। इन तो चलो ठीक है, लेकिन जब हमने आउट निकलना जाना है ना, तो वो पीछे इतना रश, अभी आपने देखा इतना रश, बड़े फजूल यार, मतलब जो दिल किया खोद लिया, बाद में उसको बंद ही नहीं करते यार ये लोग। अच्छा जी हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं पार्क कार की, और फाइनली अब हमारी गाड़ी को साफ कराते हैं पार्क कार की। अस्सलाम वालेकुम तुफान भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? शुरू कर लिया आप ही कहने पे मैंने। अच्छा तुफान भाई, वो आपको नहीं बताया था ना कॉल पे, जो हमारे इधर इसने स्क्रैच मार दिए थे बकरे ने, इसका क्या हाल है? देखें वो आपके, मेरे ख्याल से उसने गद्दी मारी है, लेकिन इससे नहीं हुआ ये वाला। हाँ जी, ये मेरे ख्याल से आप अगर मशीन वाली करें ना, उससे चला जाएगा। चले क्या करते हैं, और दूसरा एक छोटा सा मसला मारो और निकल गया। आए जरा ड्राइविंग सीट पर बैठे, ड्राइविंग सीट पर बैठे, गाड़ी स्टार्ट करें जरा। आपके पास तो कंप्यूटर भी है, आपके पास तो हर मसले का हल है। बस यार अल्लाह का शुक्र है यार। सुफियान भाई कस्टमर को ऐसे डील करते हैं जिस तरह भाई नहीं होते, इसलिए मज़ा आता है इनके पास आने का, कसम से यकीन करें। अब देखिए कितनी प्यारी प्यारी वार्निंग्स आ रही है हमारी गाड़ी में, बैठा हूँ सिर्फ वो एक पार्किंग की आ रही है, और तो कोई नहीं आ रही। नहीं अभी देखें। चेन कीलेस रिमोट बैटरी, ये देखें एक हमारा ABS का आ रहा है, इसको दबाइए। एक हमारा सिस्टम का आ रहा है, इसको दबाइए। एक हमारा इसका भी सिस्टम का, ये भी सिस्टम का आ रहा है, ये दो, इसको भी आपने पक्का पकड़ा है? नहीं ये पक्का ही आपकी गाड़ी में आता है, कभी नहीं हुआ ये कि फ्यूल आपको इसको भी पक्का पक्का गायब कर दें। ये तो चले वो कीलेस का ना, ये भी हम देख लेते हैं, इसको लगाते हैं कंप्यूटर, इसको मुझे चेक कर देते हैं क्या मसला। चलें चेक कर लें, इसको कंप्यूटर भी लगा दें फिर। ये इसकी स्कैनिंग शुरू कर दी है उसने, ठीक है। अच्छा जो जो चीज़ों पे एरर है वो ये शो करवा, अभी ये मुकम्मल सारा कुछ करेगा, सारा इसको स्कैन कर लेगा, ठीक है। इसने इंजन का दे दिया एक, ठीक है, एक हमारा फेलियर का दे दिया बॉडी इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, और EPS का दे दिया इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग का, ठीक है।
अब इसको जब हम ये सारा कर लेते हैं, अब इसके अभी इतने ज़्यादा एरर में कैसे बर्दाश्त करूँगा, वर्कशॉप लेके जानी पड़ेगी आपको यार। लेकिन वैसे सुफियान भाई इसका कुछ भी नहीं किया, गाड़ी के साथ खड़ी की है, और जब मैंने सुबह स्टार्ट किया तो लाइटें आ रही थी यार। देखें मैकेनिकल वर्क तो है नहीं, वैसे मेरी बात सुनने में सारे भी बारिश हुई थी दो तीन दिन, उसकी वजह से हो सकता है कि पानी वगैरह किसी वायर वगैरह में चला गया हो। यार देखिए जब ये मॉइस्चर होता है हवा के अंदर तो डेफिनेटली हो जाता है, गाड़ियां डिटेल करते हैं हम, कोई चीज़ें खोलते भी नहीं है, लेकिन वो स्प्रे करते हैं पानी उसके अंदर। हालांकि ये जब इन्होंने लगाए होते हैं जितने भी कंट्रोल वगैरह आते हैं, इन्होंने इस तरह डिजाइन किए होते हैं कि पानी डायरेक्ट इनके नीचे बेस तक ना जाए, ठीक है, लेकिन वो मॉइस्चर फिर भी चला जाता है। और मेरे ख्याल से इसके साथ भी कुछ शायद ऐसा ही हुआ हो सकता है। अभी आप इसको क्लियर करेंगे तो हम देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो इसकी स्कैनिंग ही हुई, देखें कंप्लीट स्कैनिंग कर दी है उसने, तकरीबन 5 एरर दिए हैं उसने, ठीक है। इसको हम क्लियर करते हैं, क्लियर इसको चेक करें ना कौन कौन से कोड थे। हाँ अभी मैंने इसको क्लियरिंग पे लगाया, इंजन का था पहले, उसने अब ठीक कर दिया, उसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। एपीएस का भी कर दिया है, ये स्मार्ट की का था, और ये तकरीबन उसने सारे कोड क्लियर कर हमारी चली गई सारी तकरीबन तो सारी। क्यों आ रही है फ्यूल, इसको भी ना भाईजन, ये आपको पंप पे जाना पड़ेगा, इसको भी पक्का पक्का चेक करें आपकी सर। बाकी हमारा काम कर दें, अब तब से आए हम आपके पास। पीपीएफ की गाड़ी है, जरूरी है, बहुत जरूरी। कौन सा वाला, बाकी चले गए? बाकी तो चले गए, ये पीछे भी है, ये सारे देख रहे हो। चले गए तो ये चले गए हैं, ये इधर वाले, फिर ये जो है ना इसका पेंट निकल गया, ये भी है। देख के गेन कर माशाल्लाह, और हमारी लाइट्स वगैरह भी सारी चली गई हैं ऑलमोस्ट। हम लोगों ने ना अगला बम्पर भी इसका करवा लिया, अगला भी इसका थोड़ा सा ना रफ हुआ हुआ था, तो गाड़ी भी इनके पास अभी ड्रश है, तो हमने कहा चलो वॉश बाद में करा लेंगे। भी हमारे बम्पर शम्पर तो सारे कंपाउंड हो गए हैं और बेहतरीन मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। बाकी गाड़ी वॉश करवाएंगे कल आके, और फिर और प्यारी लगेगी गाड़ी। बाकी आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और बस ये छोटे मोटे काम थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइटें भी चली गई हैं और हमारा बम्पर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया, तो बस यही सब था आज के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।